आप सभी मिलकर सक्सेस मना रहे हैं अपने गाने का जी, किस तरह का अनुभव है आज की तारीख में जब सक्सेस होता है, इतना कंपटीशन है, क्या फीलिंग्स आती हैं? मैडम शेज, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह से कि कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है और म्यूज़िक कंटेंट अपलोड हो रहा है वो इतना ज़्यादा है कि जब कोई गाना अच्छा करता है तो एज अ क्रिएटिव हेड हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और जैसे इस गाने के बारे में मैं और कमाल भाई हम काम कर रहे थे, जब कमाल भाई ने इस गाने को लिखा तो हम लोग हमेशा एक डिस्कशन करते थे, ये पॉइंट कमाल भाई का था कि ही वॉन्टेड एश्योर कि भाई मेलोडी ऐसी होनी चाहिए कि जो आज रिलीज़ हो, 2 साल बाद रिलीज़ हो, वो लोगों पे पकड़ रखनी चाहिए। तो जब हमें पता लगा कि गाना इतना बढ़िया सक्सेस ले रहा है तो मैंने कमाल भाई को फ़ोन किया एंड आई सेड, मैंने कहा भाई बधाई हो, आपका जो विजन था वो काम किया एंड फाइनली बहुत खुशी मिलती है। देखिए इससे पहले एक गाना मेरा काफ़ी अच्छा करके गया, मैं शराबी, उसके बाद ये गाना हिट हुआ तो एक मन को सुकून मिलता, आपको अच्छा लगता है। और इसी दिन के लिए हम लोग काम करते हैं, हम लोगों का जो ऑल हार्ड वर्क है, डिस्कशंस हैं, हम गाना भेजते हैं, कमाल भाई कहते हैं यार इस गाने में ये कर लो और कर लो, तो वो जो ट्रायल एंड एरर होते हैं वो आज के लिए ही होते हैं और जब ऐसा दिन आता है तो बहुत खुशी होती है। आपकी क्या रिएक्शन थे सक्सेस पर? मैंने जब गाना शूट किया था तो मुझे नहीं पता था कि मतलब यू नो ऑडियंस हमें इतना प्यार देगी, और हम लोग का तो ग्रुप बना हुआ है, सर हमें बता रहे थे कि इतने मिलियंस हुए, इतने मिलियंस हुए हैं, एंड आई एम सुपर हैप्पी कि लोगों को बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड लव अस। गाने की शूटिंग के दौरान अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, कुछ चटपटी यादें, चटपटी बातें? बहुत सारी चीज़ें हैं। शूट तो हमने ऐसे किया है, इन्जॉय करते हुए किया है, सेट पे सर भी थे और हमारे डायरेक्टर सर थे, को एक्टर भी प्रशांत शायद आने वाला है, आया नहीं अभी तक, काफ़ी मज़ा आया एंड यू नो एकदम चुटकियों में चीज़ें हो गई। कमाल सर, आपका विजन सक्सेस होता हुआ देखते हुए क्या महसूस करते हैं आप? देखिए बहुत गाने रिलीज हो रहे हैं, बहुत गाने बन रहे हैं, तो उसी दौरान हमने सोचा कि चलो एक गाना हम भी बना लेते हैं, हम भी रिलीज़ करते हैं। तो ये गाना लिखा मैंने है, म्यूज़िक शेजूर ने बनाया है, और फिर ये था कि भाई चलो गाना जब शूट करें तो वैसा ही ना हो जैसे सभी गाने होते हैं, एक प्रॉपर कहानी हो, कुछ अच्छी कहानी हो जिसको देख करके मज़ा आए लोग हंसे, और मेरे ख्याल में वो जो गाने में कहानी है वो लोगों को पसंद आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। आप कुछ अपना अनुभव बताएंगे कि किस तरह से आप लोग सब मिले, इस गाने की शुरुआत कैसे हुई और नेक्स्ट आपके क्या प्लान्स हैं? नहीं, शेज ने बोला मैं गाना बना रहा हूँ तो इन्होंने मुझे सुनाया कि ऐसा है तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोला ठीक है मैं लिख देता हूँ, तो मैंने गाना लिखा और फिर हम लोगों ने शूट किया और टी सीरीज़ को भेजा कि भाई ये रिलीज़ कर सकते हो क्या आप, उन्होंने उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने बोला हाँ बहुत अच्छा है हम लोग रिलीज़ कर देते हैं, उन्होंने रिलीज़ कर दिया। इस गाने के बारे में एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली कमाल भाई और हम म्यूज़िकली मिलते रहते थे और बहुत म्यूज़िक पर डिस्कशंस होती रहती थी कि भाई कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए, तो ये एक विजन था कि कुछ ऐसी मेलोडी आनी चाहिए जो अभी मिसिंग है गानों में। आप देखते होंगे मोस्टली गाने बहुत जल्दी आपके दिमाग में रजिस्टर करते हैं और फिर चले जाते हैं, तो बेसिक मोटो ये था कि हम कुछ ऐसी मेलोडी क्रिएट करें जो थोड़ा लंबा चले। अभी देखिए अभी तो ये स्टार्ट है, ये सक्सेस हुआ स्टार्ट है, बट आप देखेंगे कि जब आप इस गाने को सुनेंगे, आप लोग भी सुने दीवानों ने, तो आपको लगेगा कि ये बार बार सुनने वाला टाइप का सॉन्ग है। अच्छा कमाल सर, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा आपका? मैंने तो खाली गाना लिखा है भाई, मेरा तो प्रोजेक्ट से कोई ये नहीं है। नहीं, आप क्या कर रहे हैं इसके अलावा? मैं तो खाली गाना लिखा है, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बड़ी फिल्म चालू हो जाए जल्दी, आपको कुछ खबर। आप एक्टिंग करेंगे उसमें? इंशाल्लाह नहीं, अभी एक्टिंग तो नहीं, लेकिन प्रोड्यूस कर रहा हूँ कुछ बड़ी फिल्म, तो इंशाल्लाह जल्दी आपको खबर देंगे। आप अपना अनुभव बताएंगे इस गाने की सक्सेस को लेकर और गाने की शूटिंग के दौरान का अनुभव? अरे सर, के आर के सर को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और माहौल तो बहुत सही था और ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं, इट वाज लाइक सो अमेजिंग, और सबको आर्टिस्ट वर एक्सट्रीमली गुड,
और बहुत मज़ा आया। और के आर के सर तो थे ही सेट पे शो, और ये गाना तो उस लेजेंड सिंगर शान सर ने गाया है, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सो इट वॉज इन एंड आउट अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो यस क्या आपके सर आपसे सवाल है, फिल्मों जी की बात हो और जवान की बात ना हो, जी बड़ा मुश्किल लग रहा है, आपको लगता है शाहरुख खान सारे एक्सपेक्टेशन तोड़ सकते हैं? कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को हिलाने की कोशिश की उन्होंने अपने फिल्म के माध्यम से, आपकी क्या रिएक्शन थे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को फिल्म पसंद आ रही है और जाहिर सी बात है उनकी लाइन से दूसरी हिट है, पहली पठानी हुई, दूसरी यही हुई, तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए, बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग बिखरे हुए थे, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जवान जात धर्म हर दायरे को हर सरहदों को तोड़ते हुए एकता की बात कर रही, यूनिटी की बात कर रही, कहीं ना कहीं लोगों का जहन परिवर्तन हो रहा है, क्या आप मानते हैं ये सही? वो सब का तो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ भाई फिल्म चली है, हिट हुई है, तो ये शाहरुख खान साहब के लिए अच्छा है और बॉलीवुड के लिए ज़्यादा अच्छा है। आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं, क्या बिजनेस कर सकती है ये? मेरे ख्याल में 400 करोड़ के तो ऊपर ही करेगी, बस 400 करोड़? 400 करोड़ के ऊपर ही करेगी, कितना करेगी वो बाद की बात है, लेकिन 400 करोड़ के ऊपर ही करेगी। एक वक्त हुआ करता था कि 50 के बाद लोग अपने आप को रिटायर समझते थे, जो 90s के हीरो खास करके वो लोग फिर से कम बैक कर रहे हैं, नौजवानों के लिए मौका नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे आप? नहीं ऐसी बात नहीं है, मौका नहीं मिल रहा है, मौका तो सबको मिल रहा है, लेकिन शायद जो नौजवान हैं वो उनके साथ कोई इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं है, इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पैसा फिल्म पे खर्चा होता है रिकवरी के हिसाब से, तो जब उनको मौका मिलेगा कभी इतनी बड़ी फिल्म में काम करने का तो शायद वो भी हिट ही होगी। आजकल की फिल्मों में जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, एज नो बार देखने को मिलता है, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में आप? ऐसा नहीं है, एज नो बार नहीं होती तो फिर शाहरुख खान साहब को फिल्म में जवान बनने की ज़रूरत ना पड़ती, उन्होंने VFX से बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, वो बहुत यंग बने हुए हैं, 30-35 साल की एज के वो दिख रहे हैं फिल्म में, तो एज नो बार नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है बॉलीवुड के लिए ये जो ईयर है बहुत सक्सेसफुल साबित होगा? कई इसके बाद भी और सक्सेसफुल फिल्में रिलीज होने वाली, क्या देखते हैं आप हाँ बिल्कुल ओवरऑल? बिल्कुल, ये साल बहुत कोरोना के 3-4 साल, 3 साल निकले हैं कोरोना में, तो उसके बाद ये साल बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा होगा, और अच्छा है बॉलीवुड के लिए, अच्छा है कि भाई ये फिल्म हिट हो रही है। कोरोना के वक्त ऐसा लग रहा था कि बड़े पर्दे पे या सिनेमा हॉल में शायद ही फिल्में रिलीज होंगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट के जो माध्यम है काफ़ी बढ़ चुके हैं, खास करके मैं वेब सीरीज की बात करूं, इस तरह का जो कंटेंट घर बैठे लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके बावजूद लोग सिनेमा हॉल जा रहे हैं, इस परिवर्तन को आप क्या देखते हैं? सिनेमा हॉलों का हॉल का जो भविष्य है उस पर आपकी क्या रिएक्शन है? देखिए जो सिनेमा हॉल बिजनेस है उस पर बहुत ज़माने से, बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले एक दफ़ा आया था VCR आया था, उस वक्त लोगों को ये लग रहा था कि अब सब लोग VCR पे ही फिल्म देखा करेंगे, अब कोई थिएटर जाएगा नहीं, उसके बाद सेटेलाइट का ज़माना आया, फिर लोगों को लगा घर बैठ कर टीवी पर ही लोग फिल्म देखेंगे, अब थिएटर में जाएंगे नहीं, तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि भाई पायरेसी होने लगी, तब लोगों को लगा नहीं अब लोग घर में बैठ कर देखेंगे, तो वो सिनेमा हॉल के साथ ऐसा होता आ रहा है, और ये भी एक वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, जो सिनेमा का बिजनेस है वो था है और आगे भी रहेगा। फिल्म हो या सॉन्ग्स हो या किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। शाहरुख खान ने इस बार जवान के लिए किसी तरह का खुद आके प्रचार नहीं किया, आप उसको उनका अहंकार मानते हैं क्या, उनका कॉन्फिडेंस मानते हैं आप? नहीं, उन्होंने पठान का भी ये नहीं किया था, प्रचार नहीं किया था, और उनका जो जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही किया है, प्रचार करने से कोई फिल्म चलती नहीं है, अगर फिल्म अच्छी है तो लोग अपने आप उस फिल्म को देखने जाएंगे, जो इंग्लिश फिल्में रिलीज होती हैं उनके स्टार्स तो यहाँ नहीं आते प्रचार करने के लिए, वो तो गली गली नहीं घूमते हैं, जो साउथ की फिल्म रिलीज हुई थी कंतारा उसके भी स्टार्स नहीं आए थे प्रचार करने के लिए, तो प्रचार से फिल्म नहीं चलती, अगर फिल्म अच्छी है तो चलेगी, और शाहरुख खान साहब का जो तरीका है वो यही है, वो सिर्फ ट्विटर पे अपना अपनी फिल्म का प्रचार करते हैं, उनका मानना ये है कि भाई अगर लोगों को ट्रेलर समझ में आया है, प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, तो पब्लिक उस फिल्म को देखने जाएगी, और नहीं तो फिर नहीं जाएगी कितना भी प्रचार कर ले, और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है? प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
आपने भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम किए हैं, अभी आपने एक नया सॉन्ग भी आप तैयारी शुरू कर दिए सॉन्ग के बाद ही। यस सर। क्या यूथ को मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं यंगस्टर्स करके, आप कहीं ना कहीं आप भी थिएटर्स वगैरह करते करते धीरे आज आप टी सीरीज के साथ भी जुड़ चुके हैं, क्या उन यंगस्टर्स को मैसेज देंगे जो आपकी तरह आप आगे आना चाहते हो, इस तरीके से काम करना चाहते हो? सर मैं तो बोलूँगा कि लगे रहो, ऐसे अच्छे इंसान मिल जाते हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज डू कम, सिर्फ आपको मेहनत करनी होती है और कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब एक जब तक आपका टाइम नहीं आता तब तक अगर आप परसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। और एक बार अगर अपॉर्चुनिटी मिल गए तो बी श्योर दैट कि आप अपना 100 नहीं 500% दें और अच्छा काम करें, और एट द एंड योर टैलेंट एंड एवरीथिंग मैटर्स। सो यस, जैसे आप मैंने कहा कि आपका एक नया प्रोजेक्ट और आने वाला पड़ा, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? वो भी एक अच्छी कंपनी के लिए सॉन्ग ही है, उसके अलावा आई एम डूइंग अ साउथ फिल्म एज लीड, तो चल रहा है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और आई विश कि के आर के सर के साथ और एक सॉन्ग अच्छे से करूँगा। तो या जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले ओटीटी की बात की, तो मैं एज एन एक्टर आपसे जानना चाहूँगा, ओटीटी आने के बाद एज एन एक्टर प्लेटफॉर्म्स तो बढ़ी गए लेकिन अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं सिनेमा पर्दों के लिए वो कहीं हानिकारक तो नहीं होती जाएगी आगे चल के, अगर गदर जैसी जवान जैसी फिल्में तो आ रही जो फिर से रीओपन करती है, बट क्या ऐसा दौर शुरू होते रहेगा या कहीं ना कहीं उसे फिर टाटा वाबे कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, सिनेमा इज लाइक फॉर एवर। ओटीटी था तो बिकॉज ऑफ कोविड और ये जो लॉकडाउन था उसमें, उसके लिए इट वॉज गुड, बट फिल्म देखनी है तो सिनेमा इज लाइक द मैजिकल एक्सपीरियंस। यू कैन नॉट हैव दैट मैजिकल एक्सपीरियंस एट होम, आप कितना भी नेटफ्लिक्स करा लो या फिर अमेजोन प्राइम देख लो, बट जो एक्सपीरियंस आपको थिएटर में मिलता है, लार्जर देन लाइफ, फिल्म इज ऑल अबाउट लार्जर देन लाइफ, सो वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको थिएटर में ही जाना पड़ता है, और थिएटर जैसे के आर के सर ने बोला, थिएटर इज फॉर एवर। सर के आर के सर आपसे एक सवाल है, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में फिल्म क्रिटिक्स पैदा हो गए हैं, हर कोई अपनी राय रखते हैं, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए ये अकेला दुनिया का बिजनेस है जिसके बारे में हर कोई एक्सपर्ट है, कोई यूपी में रहता हो, कोई बिहार में रहता हो, कोई कलकत्ता में रहता हो, कोई चाय की दुकान चलाता हो, कोई किराना की दुकान चलाता हो, उसको ये पता है कि फिल्म कैसी बननी चाहिए, फिल्म कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है, फिल्म ने कितना बिजनेस किया, मतलब हर आदमी इस, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में हर आदमी एक्सपर्ट है, तो वही जाहिर सी बात है वो दिली इच्छा है सबकी, और यही वजह है कि और आज अपॉर्चुनिटी है कि भाई हर आदमी अपनी बात कह सकता है सोशल मीडिया के द्वारा, तो वो अपनी बात कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई हाँ ये नहीं ये, तो गली गली में क्रिटिक्स पैदा हो गए हैं, जहाँ पहले 2-4 क्रिटिक्स हुआ करते थे आज मेरे ख्याल में 200-300 क्रिटिक्स हैं, और उनकी बातें भी सुनी जा रही है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो अगर लोग उनकी बातें सुन रहे हैं तो वो अपनी बात कह रहे हैं, बात खत्म। सर आपने जब फिल्म की क्रिटिक्स की जो शुरुआत की थी जी, तब लोगों ने आपको सीरियस नहीं लिया था, अब इतने सीरियस हो गए हैं लोग कि आपकी बोली भी बातों को बहुत मायने रखते हैं, कि जो जर्नी रही बहुत ही मुश्किल भरी रही, आपका अनुभव कैसा रहा? मैंने 2013 में शुरू किया था और उस वक्त मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं मेरा रिव्यू कोई क्यों देखेगा, लेकिन कुछ एक कंपनी थी जो बहुत दिनों से मेरे पीछे थे, वो लोग कि नहीं आप करो, और जब मैंने किया, मैंने ऐसे ही मोबाइल पे रिकॉर्ड करके वो रिलीज़ किया था, तो शायद 1 लाख लोगों ने देखा, तो फिर मुझे भी यकीन हुआ कि हाँ शायद लोग देखेंगे, तो जाहिर सी बात है पहले पहले क्या है, देखिए जो बॉलीवुड वाले हैं उनका ये मानना है वो ऐसे ही काम करते हैं, वो ऐसे ही काम करते आ रहे हैं, कोई आज से नहीं जब से बॉलीवुड चला है, जो बाहर से आने वाला आदमी है वो उसको रिकग्नाइज नहीं करते, उसको कोई एक्टर है वो भले ही 2-4 छोटी छोटी फिल्में कर ली हो तो उसको बॉलीवुड वाला नहीं मानते, वो इनसाइडर आउटसाइडर यहाँ बहुत है, वो नहीं मानते, आखिरी वक्त तक भी नहीं मानते, जब तक उनकी मजबूरी ना हो जाए कि अब मानना ही पड़ेगा, तो उनको यही था कि भाई उनको मुझे नहीं मानना था कि भाई ये भी क्रिटिक हैं, और फाइनली जब उनकी मजबूरी हो गई कि नहीं मानना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, तो फिर उनको मानना पड़ा बस। सर शुरुआत में जैसे आपने भी बोला गिनती के 4-5 या 8-10 क्रिटिक्स थे, और वो लोग इस तरह से खुल के नहीं बोल पाते थे, कहीं ना कहीं पीआर रिलेशन मेंटेन करते थे, जब आपने शुरुआत की तो बेबाक बोलने की शुरुआत की, कई लोगों ने आपकी आलोचना भी की,
कभी आपको इन आलोचनाओं से डर नहीं लगा? कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं क्यों बेबाक बोलूं, क्यों अपने रिलेशन खराब करूं? एक्चुअली मेरे पास वही एक तरीका था, कोई और तरीका था भी नहीं। अगर मैं वैसे ना बोलता तो फिर मैं आज जहाँ वहाँ होता भी नहीं। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, जो क्रिटिक्स थे वो बेचारे किसी न्यूज़पेपर में काम करते थे, किसी टीवी चैनल पे काम करते थे, तो वो जो एक्टर्स हैं, जो बॉलीवुड वाले हैं, उनसे अपना रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते थे। मैं एक ऐसा आदमी था जिसको बोलते हुए किसी से डर नहीं लगता था, या मेरा कोई रिलेशन ख़राब होने का चांस नहीं था, क्योंकि मैं किसी न्यूज़पेपर के लिए काम नहीं करता था या टीवी चैनल के लिए काम नहीं करता था, तो इसलिए मैं बोल पाया। अगर मैं भी किसी टीवी चैनल के लिए काम करता या न्यूज़पेपर के लिए काम करता तो मैं भी ना बोल पाता। जाहिर सी बात है, हर आदमी की अपनी मजबूरी है, उनकी नौकरी है, वो अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालेंगे। तो मैं आज़ाद था इसलिए मैं बोल पाया, और मुझे देखा देखी फिर बहुत लोगों ने बोलना शुरू किया। और आज तो जैसे मैंने कहा, आज तो 200-250 क्रिटिक्स हैं, तो सब बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो लोग ऐसे हैं, कोई कलकत्ता में बैठा है, कोई बिहार में बैठा है, कोई यूपी में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, उनका बॉलीवुड से कोई लेना देना भी नहीं है, और बॉलीवुड से उनका रिलेशन ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है, जब वो किसी को जानते ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो उनके लिए बोलना बहुत आसान है, तो आज तो बहुत लोग बोल रहे हैं। और मैडम कुछ पूछना चाहेंगे? मैं शुरुआत करती हूँ। मैं कंग्रेचुलेशन, गाना इतना सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुका है आपका, बहुत समय बाद आपको म्यूजिक सीन में वापस देखा, बहुत अच्छा लगा, क्या कहेंगे? गाना तो हिट हुआ तो इन लोगों की मेहनत है, शेरपुर की मेहनत है, वो म्यूजिक डायरेक्टर है, महिमा एक्ट्रेस है, प्रसाद एक्टर है, तो इन लोगों की मेहनत है। मैंने तो खाली गाना लिखा है, लोगों को पसंद आया, अच्छी बात है। पर लिखना भी बहुत समय बाद हुआ, वही मेरा सवाल है। हाँ, तो मेरा तो ये कोई काम नहीं है, मैंने तो वो ऐसे ही शौक आई लिख दिया। मुझे शौक में कभी कभी कुछ चीजें करने की आदत है, तो मैं कुछ कर लेता हूँ, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया बस। देखिए, बड़े कम लोग जानते हैं जो कमाल भाई हैं, इनका ये वाला एक जो ये दिखाते हैं वो तो सब जानते हैं, बट ही इज़ अ वेरी म्यूजिकल गाय। और जो राइटिंग है, जिसको बोलते हैं कि शायरी, उसकी इनको बहुत समझ है। मैं एक फिल्म के लिए हम लोग ब्रेन स्टॉर्म कर रहे थे 2013 में, तो तब मुझे पता लगा इनका वो वाला जो एक व्यक्तित्व है कि जहाँ ये शायराना, इनकी शायरी, इनका म्यूजिक, तब समझ में आया। और उसके बाद से हम जुड़े हुए हैं आज तक, तो बहुत सारी चीज़ों पे काम करते रहते हैं। कुछ आइडिया कमाल भाई क्यूरेट कर देते हैं, कुछ आइडिया मैं क्यूरेट कर देता हूँ, मैं इनको भेजता हूँ, देन ये सजेशन दे देते हैं, और फिर ऐसे गाने बन जाते हैं, जैसा ही आपने देखा। महिमा, आप कितने एक्साइटेड हैं आज? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, एंड आई एम सुपर हैप्पी कि हमारे गाने को इतना प्यार दिया गया है। और या आई एम हैप्पी एंड थैंक्स टू सर कि जिन्होंने मुझे कास्ट किया, एंड थैंक्स टू डायरेक्टर सर ऑल्सो कि जितने अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है मुझे, एंड या थैंक्स टू ऑल। कैसा रहा एक्सपीरियंस गाना बनने से, टीचर होने से, आज यू नो टू सेलिब्रेट? इट वाज अमेजिंग, जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे लगा ही नहीं कि वी वर वर्किंग, इट वाज अमेजिंग सेट, और सभी को एक्टर्स सभी एक टीम की तरह काम कर रहे, तो इट वाज अमेजिंग। केआर के सर आते थे सेट पे, सो इट वाज वेरी गुड, और ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं, वी वर एंजॉयिंग, मतलब। एंड क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है, और लेजेंडरी सिंगर शान ने गाया है, तो इट्स अमेजिंग। एंड अभी आज सक्सेस मिला है, तो इट गोज़ टू ऑल द टीम, सो या। डायरेक्टर कोरियोग्राफर जासमीन ओझा यहाँ आज है नहीं, उनका बर्थडे है, और उनकी तरफ से मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं वो। पूरी टीम यहाँ है, तो एक दो लाइन गाने की शेर गा दो भाई। दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम हाँ दबा रखा है, दर्द का नाम, दर्द का नाम, दर्द का नाम दबा रखा है, दबा रखा है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।